ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम युग हम सभी के लिए महान वरदान लेकर आया है। जब भी हम कोई कार्य करने चलें, तो बाप दादा से सफलता का वरदान लेकर जाएं, निर्विघ्न भव का वरदान लेकर जाएं, तो वैसा ही अनुभव कर्म क्षेत्र पर होता रहेगा। बाप दादा का आह्वान करें और देखें बाबा दृष्टि दे रहे हैं और उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और वरदान दिया, बच्चे निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। और हम फिर इस नशे से कार्य पर चलें कि हमें सफलता का वरदान मिल गया है, हमारी सफलता होगी ही। हम याद रखें, जितना जितना हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होते जाएंगे, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कमाल दिखाने लगेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारे हाथ में है। हमारे पास है वो रिमोट कंट्रोल मन का, हमारे पास है। परंतु जिसका मन व्यर्थ में बहता रहता है, उसको अपनी ये पावर भूल जाती है, वो अपने अधिकारों को विस्मृत कर देते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है व्यर्थ संकल्पों पर। किसी किसी के मन में व्यर्थ संकल्प बिना कारण ही चलते रहते हैं, आदत पड़ी रहती है कुछ भी इधर उधर का सोचते रहने की। किसी के मन में व्यर्थ संकल्प अनुमान के कारण चलते रहते हैं, किसी के मन में काम क्रोध के कारण, तो किसी के मन में इच्छाओं के कारण, किसी के मन में मोहों के कारण, तो किसी के मन में बदले लेने की इच्छा के कारण। परंतु व्यर्थ संकल्पों से तो हमारी शक्तियां नष्ट होती जाती हैं। हम तो शक्तियां जमा करने आए हैं, हमें तो इस समय अनमोल खजाने स्वयं में जमा करने हैं। और उन सब का बीज एक ही बात है कि हम स्वयं को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर दें। सच्चे ज्ञानी की भी पहचान यही है कि अपने व्यर्थ को पहचानते चलें, रियलाइज करते चलें, कहां किस तरह का व्यर्थ अननेसेसरीली चल रहा है, उसे देख लें और ज्ञान के बल से उसको समाप्त करें। दो तीन बल हम यूज करेंगे व्यर्थ को समाप्त करने के लिए, ज्ञान का बल, स्वमान का बल और अशरीरी स्थिति का बल। अशरीरीपन होने से मन इतना सुखद फीलिंग में आ जाता है कि व्यर्थ संकल्पों का बहाव स्वतः ही रुक जाता है। स्वमान हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्पों को उत्पन्न करता है और व्यर्थ का फोर्स समाप्त हो जाता है। रोज की मुरली से, अव्यक्त मुरलियों से हमें अथाह ज्ञान मिलता है। हम मुरलियों से अच्छी अच्छी बातें अपने पास नोट किया करें। अगर हम सोचेंगे नहीं, बिना नोट किए ही हमें तो सब कुछ याद रहने लगता है, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छी अच्छी बातें भी मनुष्य को भूल जाती हैं। इसलिए कम से कम अपने पास 50 सुंदर पॉइंट्स अवश्य नोट करके रखें। उन्हें बीच बीच में पढ़ते रहने से ज्ञान की जागृति होती रहेगी और हम एक श्रेष्ठ स्थिति में आते रहेंगे। तो व्यर्थ से मुक्त होने को अपना महान लक्ष्य बना लें और आज सारा दिन अभ्यास करेंगे अपने 5 स्वरूपों का, और उसमें भी देव स्वरूप का और फरिश्ते स्वरूप का विशेष अभ्यास। इस नशे में रहेंगे ब्रह्मा बाबा की तरह कि ये देह छोड़कर मैं ऐसा फर्स्ट क्लास देवता बनूंगा, मैं विश्व महाराजन बनूंगा, मैं विजय रतन हूँ, विश्व पर राज करूंगा। ऐसा संकल्प अपना भविष्य का स्वरूप सामने देखते हुए करेंगे। ये नशा बहुत हो जाए और बीच बीच में अपने फरिश्ते स्वरूप को भी देखेंगे।
भविष्य का नशा बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें हमारे अंदर उससे भविष्य के सारे संस्कार, गुण और लक्षण आने लगेंगे और आने वाले समय में भक्तों को वही साक्षात्कार हमारे द्वारा बाबा कराएगा। तो बाबा मुझे क्या देने आया है, वह मेरा भाग्य, वह अपने भविष्य देव स्वरूप को, अपने राज को सामने लाते रहेंगे तो बहुत नशा रहेगा। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।